जब तक एक आस में मेरा रहता कितना मेहनती है मेरे बच्चे तो बड़ी जल्दी आ। अब मुझे चाय पीनी है। चाय पीनी? हाँ बेटा दूध तो है नहीं, सर मैं चाय पकाओगी कैसे? दूध नहीं है। हाँ मैं दूध का जुगाड़ तुम्हारे कर दूंगा। जुगाड़ कर देगा? हाँ वो कैसे? अब इन्हें पागल कर दूंगे। अब हाँ दूध देगा? दूध दे दू फटाफट दूध दे, बात मत बना। तुझे पता आज तक दूध नहीं दिया, कमला कर तूने? मैं मेरे पास दूध कहा है, कहा से दूध दे दू? मेरा पागल क्यों बना रहे? खेती नहीं पागल नहीं है, एक मक्का दूध दे चल। अबे बेवकूफ तू पागल हो गया? अबे कहीं गर्मी में तेरा दिमाग पिल पिला तो नहीं हो गया? मैं एक मक्का दूध, मैं तो सांड हो रहा है, एक मक्का दूध दे सकता? अबे बेवकूफ तुझे किसी ने बहका दिया बेटा, अब्बू दूध नहीं दिया करते, दूध भैंस दिया करती है। एक मक्का दूध देते? अबे क्या फायदा करवाया मुझसे? एक व्यक्ति का फायदा नहीं देते। अबे बिल्कुल नहीं दू, बिल्कुल नहीं दू दूध में। मुझे तो आज पता लगा सबके अब्बू दूध देते हैं, पर तू एक मगर साठ वाला खा खा के तूने कभी दूध नहीं दिया। दे दे अब्बू दे दे। अबे बेवकूफ है तू, इंसान भी कहीं दूध देवे? तुम्हें बता अब्बू, जब हमारा छोटा शेख पैदा हुआ था तो सलमान ने उसका दूध पिलाया था, वो उसका बेटा था। अब मैं तुम्हारा बेटा तो तुम दूध नहीं दे सकते मुझे? क्या करूं, मेरे शेख चिल्ली में आज मुझे लग रहा कोई बहुत बड़ा चीज सवार हो गया। इतना बड़ा सांड आ रहा तू, एक डब्बा दूध में दे चल, एक चुल्लू में दे दे। मुझे लग रहा है चुल्लू दूध तुझे अभी दूंगा, तेरी खाल आज मसाला मान रही। अब समझ गया, चलो घर पीले पीले दूध नहीं लेती ना तू, ऐसे तू भी दे रहा मान। ठीक है, हाथ ला, हाथ नहीं ला, हाथ ले चले, ये देखा हाथ ला, ला हाथ, ऐसे दूध चाय पकेगी, हाथ देना पड़ेगा, हाथ देना पड़ेगा, दूध चाय पकेगी, चाय जा। अरे मेरे बेटे तुझे कैसे समझाऊं कि इंसान दूध नहीं देते? पागल माना शेख चिल्ली को, शेख चिल्ली को पागल समझ रहा? अभी अपनी आंखों से सुन पाया हूँ, आप कानों से देख आया हूँ, अब पी के भी आया हूँ। ठीक है भैया, अरे उन्हें तुझे बता दिया बेटे, नहीं जल लगे तुम चाय पकेगी दूध दे। पतला पतला दूध दे, कोई बात नहीं। सुनो अरे तुम्हें तो खुद होना चाहिए, बात तुम्हें तो खुद होना चाहिए, कम मगर आज तुमने दूध देना शुरू कर दिया है? आज पतला दिया, मुझे कोई कम नहीं, मुझे कोई कम नहीं अबू, आज पतला दिया तो कल उगाड़ा भी दोगे। ठीक है अरे शेख चिल्ली कम मगत, अरे देखो अल्लाह करे तू दो जग में जावे, अरे तेरे में देखे बाप का दिल सतावेगा तो तेरे फरिश्ते जो है इतने लट बजाओगे सारे तेरे पैर तोड़ देंगे, तू दो जग में चलेगा, तू सड़क कूट देगा नीचे आगे मरेगा, मैं तो मिल गया तुझे। भाई जान किसका जाएगा? मेरे टाइम में आई एम पढ़ा लिखा भिखारी, मुझे कुछ लिख देगा। ओ तो रोटी चाहिए थी, रोटी है? ठीक है ठीक है, खड़ा रहे, मैं भी रोटी पर सालन रख के ला रहा हूँ। डार्लिंग सालन सालन रख के रोटी पे अपनी भाई को खिलाना, मुझे 5,000 रुपए चाहिए वीक में। 5,000 रुपए चाहिए? यस 5,000 रुपए। अंग्रेजी में बोल रहा? या या बिगर लिए नहीं जावे? अंग्रेज बड़े तो तुम्हारा सारे या। अच्छा फिर भी आया कर रहा, फिर भी
5000 रुपए मांगे मेरा जीवन बीमे की किस्त लेगा। ए मिस्टर मैं भीख मांग रहा हूँ, सलमान खान के नाम पे भीख दे दे, तेरे नाम पे भीख दे दे, बाजार निकल जा। हमारे घर में ऐसी आटा नहीं है। सलमान खान के नाम पे नहीं देते तो जय किशोर, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन किसी के नाम पे, तो गोविंदा के नाम पे दे दे बाबा, भीख तो दे दे। क्या चाहिए तुझे भीख में बताता क्यों नहीं है? अंग्रेजी में किटर पिटर कर रहा। 5000 रुपए दे दे, 5000 ना तो चेक दे दे, चेक ना तो फिर सोना चांदी दे दे, पर दे दे। तो भीख मांग रहा है, लोन मांग रहा मुझसे, मैं टाइम वेस्ट मैं, जल्दी भीख दे दे मुझे। तुझे मलिका शराब की कसम, तू मुझे भीख देगा तेरे घर वाले 3 किड़वा बच्चे होंगे। अगर कसम भी दी तो ऐसी हीरोइन की जो नंगे सीन करती है, है? पढ़ा लिखा होकर के तू भीख मांग रहा, कहीं नाली में डूब मर। भिखारी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करी है, भिखारी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करी है, वाह कम नगर तू भीख मांग रहा काम का निकल तो सलमा डालिंग कसम तुम्हें भीख देनी होगी। सलमा डालिंग की कसम सलमा को जाना, साले मैं तलाक करवाएगा मैं सलमा से, साले जिंदा जला दूंगा तुझे, जिंदा हो दूंगा, सिर जिंदा मार देगा मुझे, निकल जाएगी साले, आया साला, मैं साले पढ़े लिखे भीख मांगते हैं, इससे तो हमें ठीक है, अनपढ़ ठीक है हम, आया साला ये देता भीख। अबे ओ शेख चिल्ली के बच्चे, ओ शेख चिल्ली, बे साले आज बाहर निकल, तेरा खून पी जाऊंगा आज मैं, बे आज तेरे गुर्दे कलेजी भून का ना खा लिए तो मेरा भी नाम, बाहर निकल ओ शेख चिल्ली। बा क्या बात है, कैसे पजामे में निकल रहा? बस तू बाहर निकल आज, तू बोल अंदर आ, अंदर आ गया मेरे घरवाली के गुलेल का गुल्ला क्यों मारा तुझे? गुलेल का गुल्ला? हाँ भाई जान, मैं तो चिड़िया का गुल्ला मार रहा था, मुझे क्या पता था कब मगर तेरी बहू के फिट हो जाएगा। चिड़िया का मार रहा था तू? देखा एक बार बताऊ रे, खून खोल रहा मेरा, खून खून खोल रहा, चूल्हे पर उठकाया, चूल्हे पर तो उठकाया। भाई एक बात सुन ले, मैं इंतकाम लूंगा, इंतकाम लूंगा, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर जिंदाबाद, सामने कुआ, सामने कुआ, इंतकाम लेना। अरे एक बात सुन ले, जुकर तन्ने मेरी बहू का गुल्ला मारा, मुई तेरी बहू का गुल्ला मारुआ, बुला कर कभी ना मारे, मारुआ मारुआ, मैं भी मार दूंगा, कभी ना मारे, मैं भी मार दूंगा, हाथ आ जा, मैं लुच्चा ही मार दूंगा, कभी ना मारे, लुच्चा मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, इधर मार दूंगा, एक बात सुन, एक बात सुन, तू बुला कर अपनी बहू को मारुआ, मारुआ कभी ना मारुआ, मारुआ मारुआ, तबियत बड़बड़ी थी। हाँ भाई एक बात बताऊं, मरद को दर्द तो होता नहीं, पर दूसरी चोट तो लगा, लिखा जा करिए, फेर ना करिए, क्या निकल जा, मैं लिखा जा, मैं फेर ना करिए, आनी आनी बता दी, बस आनी बता दी, मैं भी बता दी तुझे, बता दी। अरे भाई हमीद मियां,
अरे कुछ ऐसा काम बताओ जो अपने शेख चिल्लू को मैं सिखा दूं और 10-20 रुपए अपना कमाने लगे। अरे मियाँ है मकली, आजकल फौज में भर्ती चल रही है, अपने शेख चिल्लू को फौज में भर्ती करा दो। अरे हमीद मियाँ, बात तो बहुत पते की गई तुमने, लेकिन क्या करूं, मेरा शेख चिल्ली यार थोड़ा सा बेवकूफ है, पता नहीं फौज में भर्ती करेंगे या नहीं। अरे भाई जान, शेख चिल्ली को फौज में भर्ती तो मैं करा दूंगा, शेख चिल्ली को बुला तो सही, मुझे उससे कुछ बात पूछनी। अरे बेटा शेख चिल्ली, इधर को आ जरा। अरे हमीद मियाँ, देख लिया मेरा लौंडा कितना बड़ा बेवकूफ है, सिर पे चढ़ गया बैठा। माशाल्लाह लौंडा का संडा हो रहा, क्यों बे, तेरी शकल ही अजीब है या कुछ ताकत भी है तेरे में? बात बता, मेरे में ताकत मेरे अबू से ज्यादा है। अच्छा है, अपनी ताकत का अंदाजा बताऊं? बताऊं? हाँ बता। एक दिन मैं जंगल में जा रहा, जब जंगल में जा रहा, भयानक जंगल, बहुत बड़ा जंगल, और मैं पैदल 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 जा रहा था, और मेरे सामने तूफान की तरह इतना बड़ा इतना सा एक चूहा आया। फिर क्या हुआ? बस फिर मत पूछे तू, बस पूछूंगा। अरे अंदर पूछने को बतला, जरूर पूछेगा। हाँ सुन, फिर उस चूहे ने मेरी तरफ को मुंह खोला, जब उसने मुंह खोला मैं भी कम नहीं था, मैंने उसको ऐसा उठ के नू और ऐसा करके उसकी गर्दन पकड़ी, गर्दन पकड़ कर मारा था, जमीन मत दे मारा, जमीन मत दे मारा, और मैंने फिर उसमें बदलाव, फिर मैंने दाग 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 कम्बखत तेरे तो मेरा कचुम्बर निकाल दिया। हाँ। निकाल दिया तो बिल्कुल ठीक बोला, मैं उसका भी मैंने ऐसे निकाला था कचुम्बर जो अबू। अब ऐसे ही हाँ हाँ करवा रहा, मैं क्या वहां देखने गया था? मैं सांड देख नहीं सकता, लौंडा क्या का गुल खिला रहा तेरा, देख नहीं सकता इधर उधर। अब कम्बखत है, ये हमीद में आए थे तुझे फौज में भर्ती करवाने, और तूने इनका मार मार के कचुम्बर निकाल दिया है। अबे अब तू बता, एक बात बता तू, अबे फौज में नौकरी कर लेगा या नहीं? फौज में नौकरी, इसका मतलब मुझे वहीं रहना पड़ेगा। हाँ फौज में रहना पड़ेगा। सब हार्ड में जाओ, नौकरी होगी, मैं नौकरी नहीं करूँ, मैं तो अपना कोई बिजनेस करूंगा। अबे तू तो बता दे मुझे शेख चिल्ली, कौन सा बिजनेस करेगा तू? वो मैं बिजनेस करने की बात सुन ले अब्बा, मैं घर का पुराना सामान सारा बेच दूंगा। घर का सामान पुराना बेच देगा? अबे घर में है कौन सा पुराना सामान जो बेच देगा? घर में तो पुराना सामान तो मुझे कुछ दिख रहा है, एक पुराना तुम ही हो। मैं हूँ? तुम तो मुझे बेचेगा? तुम पागल हो गया है, बाप को बेचेगा? कुछ और बिजनेस कर ले। अगर नहीं बेचने का तो एक पुराना बिजनेस करूंगा तुम्हारे वाला। मेरे वाला? हाँ। मेरे वाला कौन सा बिजनेस है? वही गली गली, गांव गांव, घर घर, जगह जगह के, सुबह सुबह जगह जगह के उन्हें बुला बुला के झोली फैला के और आटा मान के ला दूंगा, 10-20-50 घर मांग ला कर 100 रुपए की झाड़ी बन जा करेगी। भीख मांगेगा तो क्या तुम नहीं मांगते थे? मगर अबे मेरा नाम पूरा बदनाम करेगा, देख लो अमित भैया, ये करेगा साला फौज में नौकरी। फौज में नौकरी मुझे नहीं करनी, निकल निकल ले, नहीं निकल। आया फौज में नौकरी करवा दो शेख चिल्ली को। अबे हमीद मियां के सामने मेरी बेइज्जती कर दी पूरी। अरे ये मेरी औलाद है, मेरी दुश्मन है। शेख जी सारा दिन खाली पड़े रहते हो, तुम थकते नहीं हो सारा दिन पड़े पड़े? आज पहली बार पूछा, बस यही कह रही है तुम, मैं खाली पड़ा पड़ा थक जाता हूँ, आज तो पूरा थक गया, मुझे दूध में बादाम घोट के ला। अच्छा दूध में बादाम घोट के लाऊं? घर में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं, और मैं तुम्हारे लिए दूध में बादाम घोट के लाऊं? मैं जब देखो कम्बखत आटे की रोती रहे, मुझे चैन तो सोने भी नहीं देती। घर का बोझ तो तुमसे उठाया नहीं जाता, चैन से सो जाओ। घर का बोझ? ठीक है सो जाऊंगा, चल निकल निकल जा निकल जा, लबाटे लगा दूंगा। ये
ये क्या कर रहे हो? आज चुप के अपना काम कर ले, मुझे अपना काम करने दे, जल्दी कर। लगता है तुम पूरे पागल हो गए हो। मैं पागल अभी? तू, तेरा अबू, तेरी अम्मी, तेरा पूरा खानदान। मैं ये पूछ रही, तुम ये उल्टी सीधी हरकत क्यों कर रहे हो? मैं तेरी आँख तक कमजोर नहीं होगी सलमा, तुझे देखने आया, मैं पूरा घर का बोझ उठा रही हूँ। यार अल्लाह, इनको कब अकल आएगी? मेरे तो कर्म ही फूट गए इनके साथ ब्याह करके। सब समझ रहा हूँ मैं, मेरी अकलबंदी मेरे कभी लस रही है। तू जा, निकल जा, निकल जा, नहीं मुंह पहले बाटा मारूंगा। आइए, इनसे कब अकल आएगी तो शादी करके पहले बैठाता है घर का बोझ, घर के बोझ। भाई क्या कर रहा है चिल्ली? तेरी आँख उल्ट रही है अबू के बच्चे, देख नहीं रहा मैं समोसा खा रहा हूँ। समोसा खाना? समोसा? अबे इतना महंगा समोसा, पैसे कहाँ से आए तुम्हें? अबू खाते टाइम चिकन चिकन तो करो मतना, तुझे खाना तो कल बुढ़क ना मार ले। अच्छा ला तो भाई सेक चिल्ली खिला दे थोड़ा सा। खाने की चीज को देखते कर लाल टपका लो तुम भी, ले भर ले। ना तो सेक चिल्ली सोचते तो बहुत बढ़िया, अब बता कहा सुना तू? पूछ के ही मानोगे तो सुनो, वो जो किराए पे चाट पकौड़ी वाला ठेला लिए खड़ा रहता है ना, उसके यहाँ एक लौंडा समोसे ले रहा, ज्यादा उसके हाथ से समोसा गिरा और तू उठा के यहाँ लिया। मेरी पूरी बात तो सुनो। सुना, जैसे इस लौंडे के हाथ में था समोसा नीचे गिरा, बस एक खुजली वाला कुत्ता उस समोसे को उठाकर भाग निकला। मैंने देखा समोसा ठाकर खुजली वाला कुत्ता भाग गया और मेरी साले का पीछे 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 वो साला एक बिटोड़े में घुस गया। मेरी उससे कम नहीं था, साले का बिटोड़े में घुस गया, साले के हलक में से समोसा निकाल लाया। अबे क्या कह रहा सेक चिल्ली? अरे कमबख्त, अबे मुझे कुत्ते का जुट्टा समोसा खिला दिया। कमबख्त नहीं होता कुत्ते का, जीना अमृत होता अमृत, कुत्ते का दो पाव पहले ही जल्दी होते। अब मुझे कमबख्त मारे, अब तेरा नाश हो जाए सुतरे मरी खाए। तेरे बेटा मुझे भी खिला दे थोड़ा सा, सेक चिल्ली मुझे भी खिला दे थोड़ा सा, अब शटक के ढोंग बना रहा हूँ उल्टी की। अरे सेक चिल्ली, सेक चिल्ली का समोसा खाएगा, सेक चिल्ली का लाया समोसा खाएगा, शटक के ढोंग रेस्ट का बगैर चला जाए यार, मुझे कुत्ते का जूता सुना दिया। सही बात है तू, अब मैं बात है, मैंने तो खाया मरवा दिया। अरे मिताली भाई जरा सुनिए। हाँ माई बोल, क्या बात? भाई चैन, हमारे सेक चिल्ली को कुछ दिन पहले तुम ही बहू दिलवा रहे थे। हाँ दिलवा तो रहा था, पर मतलब तमाचे की बात थी, तमाचा खत्म, पैसा हजन। भाईजन तुम्हारा बड़ा एहसान होगा अगर तुम हमारे सेक चिल्ली को बहू दिलवा दो तो। अरे मैं कहाँ था दे दू बहू, मेरे पास ना है। हाँ भर के नाटे मत भैया, मेरे सेक चिल्ली को बहू दिलवा दो। लगता है यार औरत भी अपने आदमी की तरह बेवकूफ है, मुझे कोई चक्कर चलाना पड़ेगा, अपनी दिहाड़ी बनानी पड़ेगी। भैया खड़े खड़े सोचे मत ना, मेरे सेक चिल्ली को बहू दिलवा दो बहू। देख अब मन ने मदारी का काम तो कर दिया बंद, अब तो मैं ऊपरी टोना टोटका जन्नत दोजक की बात बताने लग गया हूँ। अच्छा सच में तुम जन्नत दोजक की बात बता देते हो? मेरे कब्जे में लाखों भूत प्रेत हैं, मैं उनसे जो भी काम चाहूँ वो पूरे करवा लूँ अपने। अच्छा भाई जान अंदर आ जाओ, मुझे तो अपने शब्दों के बारे में पता करना तुमसे। आ भाई जान बैठो।
शेख चिल्ली कहाँ है? वो तो जलसे में दीन की बातें सुनने गए हैं। पूछ क्या पूछना चाहती है तू? मेरी बेटी शपो 19 साल पहले मर गई थी, जरा देख के बताओ जन्नत में वो क्या कर रही है। दिख गई तेरी बेटी तो जच्चा पड़ी है, लड़का हुआ उसके? सच्ची मैं वारी जाऊँ, सच बताओ मेरा देवता देखने में कैसा है? अजी क्या पूछो, उसे देख के तो चांद भी शर्मा जा, इतना सुंदर है तुम्हारा देवता। अच्छा मेरी शब्द ने उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है बबलुल्लू। अच्छा इस टाइम मेरी शब्द क्या कर रही है बना? रो रही है। क्यों, क्या उसका मियाँ उसे मार रहा है? नहीं वो इसलिए रो रही है, जन्नत में उसे पात खाने को नहीं मिल रही। तू चाह रहा है तो पात का सामान भिजवा दे। भाई जान इस पोटली में बादाम गुड़ घी सब कुछ है, ले जाकर मेरी शब्बो को दे देना। ठीक है तो मैं भिजवा दूंगा, पर 500 रुपए और लगेंगे। वो किस लिए? मैं अपने अमजाद को स्कूटर पे भेजूंगा, पेट्रोल का खर्चा ना लगेगा। ठीक है मैं अभी लाई। ये लो भाई जान। अम्मा मैं आगे धर लो तुमने, रोटी ला रोटी रोटी। अरे तेरी रोटी तो बाद में खाना, पहले एक खुशखबरी सुन लो, तुम नाना बन गए। अरे तुम सरीफ ने कहा? वो तमाशे वाला मजारी क्या किया है?